नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में आपका। गाजा पर एयर स्ट्राइक कर हमास के 29,000 ठिकानों को तबाह करने के बाद इजरायली सेना अब गाजा में दाखिल हो चुकी है। आईडीएफ के हजारों जवान हमास के लड़ाकों को ढूंढ कर खत्म करने में जुट गए हैं। इजरायल ने इसे युद्ध का दूसरा चरण बताया है और ऐलान किया है कि ये इजरायल की आजादी की दूसरी लड़ाई है जिसे वो जीत कर ही दम लेंगे। इजराइल का यलगार अब हमास पर जमीनी वार। 90% बेतनाव हमास। आईडीएफ ने खाई कसम, हमास को मिटा कर ही लेंगे दम। कुछ चिलानू में वसीम कैद पीलूत कर कैद बिलसुआ ताजा अपीलूत अजो में लुबा। गाजा में युद्ध का दूसरा चरण अब शुरू होगा। हमास से खूनी रण। ביטחון בגבולות ומאמץ עליון להשבת כל החטופים। हमास के खिलाफ इजराइल ने गाजा में युद्ध के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है। इजराइल ने पहले ही घोषणा की थी कि इस युद्ध को तीन चरणों में बांटकर लड़ा जाएगा। पहले चरण में युद्ध की कमान इजराइल की वायुसेना ने संभाली और गाजा में हमास के करीब 30,000 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इजराइल की एयरफोर्स ने एक दिन में हमास के 250 से 300 ठिकानों पर बमबारी कर उन्हें तबाह कर दिया। इस तरह से हमास को पहली करारी चोट देकर इजराइल ने उन्हें कमजोर कर दिया और इसका फायदा उठाने के लिए इजराइल ने बिना वक्त गंवाए युद्ध का दूसरा चरण शुरू कर दिया है, जिसकी जिम्मेदारी ली है आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने। शनिवार को इजराइल ने ऐलान कर दिया कि हमास को जड़ से मिटाने के लिए हजारों की तादाद में पैदल सेना गाजा पट्टी में घुस चुकी है। इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी कर बताया कि कैसे टैंकों और युद्ध के साजो सामान के साथ गाजा की ओर कूच किया जा रहा है। उत्तरी गाजा में समंदर के किनारे सैकड़ों टैंक तैनात हैं और सेना को आगे बढ़ने के लिए बुलडोजर से रास्ता साफ किया जा रहा है। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने कहा कि सेना युद्ध के अगले चरण की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि गाजा की जमीन हिल चुकी है, हमास का इरादा दहल चुका है और अब इजराइल की सेना गाजा में हमास के उजड़े साम्राज्य को जड़ से मिटाने के लिए निकल चुकी है। שלבים, היום אנחנו עוברים שלב. כוחות שלנו מבצעים כעת פעילות קרקעית ברצועת עזה. הפעילות הזו מלווה על ידי אש מדויקת וכבדה. אלה נועדו לשרת את כל מטרות המלחמה. פירוק חמאס, ביטחון בגבולות ומאמץ עליון להשבת כל החטופים. इजराइल का दावा है कि हमास ने उसके 229 लोगों को बंधक बनाकर रखा है, जिन्हें छुड़ाने के लिए इजरायली सेना अब गाजा में उतर चुकी है, क्योंकि बिना जमीनी ऑपरेशन के इजराइल अपने बंधकों को छुड़ा नहीं पाएगा और हर बार की तरह इस बार इजराइल बंधकों की रिहाई के लिए हमास से कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। כוחות הקרקעים מבצעים כעת פעולה חשובה ומורכבת. יעדי המלחמה מחייבים כניסה קרקעית. אין הישגים ללא סיכונים, וכפי שאנחנו יודעים, אין ניצחון ללא מחירים. כדי לחשוף את האויב, כדי להשמיד אותו, אין דרך אלא להיכנס בעוצמה לשטח שלו.
हमास के खिलाफ युद्ध के दूसरे फेज का आगाज करने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी किया। शनिवार को देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि हवा और समंदर से हमास को सैकड़ों जख्म देने के बाद उसके समूल विनाश के लिए इजराइल की सेना गाजा में उतर चुकी है। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध के दूसरे चरण का ऐलान करते हुए ईरान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने हमास और हिजबुल्लाह के वजूद के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। इधर हमास ने धमकी देते हुए कहा है कि गाजा में घुसकर कब्जा करने पहुंचे इसराइल को अपने फैसले पर पछताना होगा। हमास का वजूद मिटाने की कसम खा चुके नेतन्याहू ने एक बार फिर अपनी कसम दोहराई और कहा कि इजराइल का मकसद हमास का संपूर्ण विनाश है। המלחמה בתוככי הרצועה תהיה קשה וארוכה, ואנחנו ערוכים לכך. זאת מלחמת העצמאות השנייה שלנו. נילחם על הגנת המולדת. נילחם ולא ניסוג. נילחם ביבשה, בים ובאוויר. נשמיד את האויב מעל הקרקע ומתחת לקרקע. נילחם וננצח. יהיה זה ניצחון של הטוב על הרע, של האור על החושך, של החיים על המוות. नेतन्याहू ने कहा कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए भीषण हमले में ईरान का हाथ था या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन वो ईरान ही है जो पिछले कई सालों से हमास को आर्थिक मदद कर रहा है, सैन्य ट्रेनिंग दे रहा है और पुरजोर समर्थन कर रहा है। उन्होंने हमास और हिजबुल्लाह के वजूद के लिए ईरान को जिम्मेदार बताया। 90% בערך מהתקציב הצבאי של חמאס בא מאיראן. היא מממנת, היא מארגנת, היא מנחה, היא מדריכה. אני לא יכול להגיד לך בהכרח שבפעולה הספציפית הזאת, ברגע הספציפית הזה, הם היו שותפים למיקרו-תכנון. אבל זה שהם מגבים את מכונת המלחמה של החמאס, הם מקיימים אותה. בלי הפיגומים האלה אין חמאס. כמו שאין חיזבאללה, בלי איראן. इजराइल एक बात अच्छी तरह जानता है कि गाजा में घुसकर सही सलामत बाहर निकलना आसान नहीं है, क्योंकि वहां हमास ने इजराइल के लिए मौत का अदृश्य जाल बिछा रखा है। खंडहर हो चुकी इमारतों से लेकर जमीन के नीचे बिछी सुरंगों तक और गाजा की गलियों से लेकर चौड़ी सड़कों तक बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। इसके अलावा हमास के आतंकी अपने अपने ठिकानों में छिपकर इजरायली सेना के आने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि मौका मिलते ही उन पर हमला बोला जा सके। इसीलिए इजरायली सेना गाजा में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और फूंक फूंक कर कदम रख रही है। אנחנו ממשיכים להילחם בעזה. אנחנו מתקדמים בשלבי המלחמה על פי תוכניות סדורות. צה"ל מרחיב בהדרגה את הפעילות הקרקעית שלו ברצועת עזה ואת היקף הכוחות. זה ייקח זמן, אנחנו נדע להתאים את עצמנו להתפתחויות כדי לעמוד במטרות המלחמה. इधर गाजा में इजरायली सेना के घुसते ही हमास बौखला उठा है। लेबनन में बैठे हमास के नेता गाजी हमद ने कहा कि गाजा पर जमीनी हमले में इजरायल को कुछ हासिल नहीं होगा। गाजी हमद ने इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा कि गाजा पर कब्जे से इजरायल को बड़ा नुकसान होगा। And all Palestinian faction with us, we are fighting together in order to stop them, and we succeeded, and we have clashes with the occupation forces, and we succeeded to target and to hit soldiers and the tanks and the troops of the occupation, and I think they got big losing and losses and big damage in these clashes. Gaza will be strong, will see more resilience in our people in Gaza. The occupation will lose more and more
in Gaza Strip. I think he will achieve nothing on the ground. शायद हमास को लग रहा है कि 2007 की तरह गाजा पर कब्जा करने के बाद भी जिस तरह से इसराइल को मजबूरन गाजा से जाना पड़ा था, उसी तरह इस बार भी गाजा पर कब्जे के बाद उन्हें लौटना होगा। लेकिन इसराइल ने साफ कर दिया है कि इस बार उनका इरादा गाजा पर कब्जा करना नहीं, बल्कि गाजा से हमास का नामो निशान मिटा देना है, जिसके लिए इसराइल ने पक्का इरादा बनाकर गाजा में जमीनी जंग शुरू कर दी है। तो गाजा में अब 2400 घंटे हवाई हमले हो रहे हैं। इसराइल ने न सिर्फ हमास के एयर चीफ को मार डाला है, बल्कि 100 फाइटर जेट से गाजा पट्टी में 5000 से ज्यादा हवाई हमले कर दिए हैं। जिस तेजी के साथ ये अटैक किए जा रहे हैं, उससे ये लगता है कि अब इसराइल को रोकना नामुमकिन हो गया है। सर्वनाश, 100 विमानों से 5000 हम। आखिरकार 3 हफ्ते बाद इजरायली सेना IDF ने गाजा में भीषण विनाश लीला शुरू कर दी है। पिछले 18 घंटे में गाजा पट्टी को जमीन में दफन करने के लिए इजरायली वायुसेना ने विनाश की हद तक बम और मिसाइलों से हमले किए हैं। तरबूज की तरफ फटती इमारतों ने, जमीन पर फिलिस्तीनियों और हमास लड़ाकों के उड़ते चीथड़ों ने पूरे गाजा में भयानक कोहराम मचा दिया है। महज 1 घंटे के अंदर इजरायली वायुसेना ने 100 फाइटर जेट से 5000 से ज्यादा हमले किए हैं। उत्तरी और दक्षिणी गाजा में हर तरफ भयानक खून खराबा हो रहा है। ईरान और तुर्की के उड़े होश, पागल हो गए हैं नेतन्याहू। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जमीन पर IDF के स्पेशल फोर्स ने टैंक, रॉकेट, लड़ाकू बख्तर बंद से उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों को रौंद डाला है। अल जजीरा चैनल ने दावा किया है कि उत्तरी गाजा के एक हिस्से में इसराइल के हवाई हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत महज 5 मिनट के अंदर हुई है। हमास का राजनीतिक चीफ इस्माइल हानिया और हमास का टॉप लीडर याया सिनवार भी रात भर हुए इसराइली हमलों को देखकर बौखला गया है। यहाँ तक कि ईरान और तुर्की भी इसराइल के भीषण हमलों को देखकर दंग। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इसराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू हमास से बदला लेने के चक्कर में पागल हो चुके हैं। हमास के आधे कमांडर इसराइल ने मार डाले। हम आपको पिछले 36 घंटे में गाजा में हुए इसराइल के इंतकाम की वो खबरें दिखा रहे हैं जिसने रूस, ईरान, सीरिया, लेबनन, जॉर्डन, तुर्की और मिस्र को सन्न करके रख दिया है। पिछले 36 घंटे में इसराइल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनन बॉर्डर पर कहां कहां हमले किए हैं और क्यों अमेरिका कहने को मजबूर हुआ है कि अब गाजा में वो तबाही होनी शुरू हो गई है। और रुकते ही एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।